नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी वर्ल्ड कप स्पेशल सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मसालों के बारे में, क्योंकि मेरे आज के पॉपकॉर्न है इंडिया स्पेशल पॉपकॉर्न। तो इंडिया फेमस है अपने बहुत सारे मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए, तो इसीलिए मेरा ये आज का पॉपकॉर्न वीडियो भी इंस्पायर्ड है इन्हीं स्पेशल फ्लेवर्स से। तो आइए देखते हैं मेरे ये इंडियन क्लासिक मसाला पॉपकॉर्न कैसे बनाए हैं। भारतीय व्यंजनों की एक विशेषता, या यूं कह लें कि भारत के मसालों की जान है गरम मसाला। चाहे आप इस्तेमाल कर रहे हों साबत खड़े मसाले या फिर इनका पाउडर, ये किसी भी चीज के स्वाद को बढ़ाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें बहुत सी और भी स्पाइसेस साथ में आ जाती हैं, जैसे कि लौंग, काली मिर्च, दालचीनी वगैरह वगैरह। तो ये ना सिर्फ स्वाद को बढ़ाता है बल्कि इससे खाने में एक अलग ही जायकेदार खुशबू भी आती है, खासकर जब ये गरम मसाला घर में ही मसालों को हल्का हल्का भूनकर पीसा गया हो। तो इसीलिए मैं ये गरम मसाला घर में ही बनाना पसंद करती हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इन मसालों से हम तीखे चटपटे इंडियन पॉपकॉर्न कैसे बनाएंगे। इंडियन मसाला पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर जिसे मैंने घर में ही बनाया है, आप मार्केट वाला गरम मसाला भी इसमें यूज कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को बस आप थोड़ा सा ज्यादा रखें क्योंकि मार्केट के मुकाबले इस घर वाले गरम मसाले में थोड़ी सी ज्यादा तेजी, थोड़ा ज्यादा तीखापन होता है। और हम लेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है जिससे हल्के तीखेपन के साथ साथ थोड़ा लाल रंग भी मिलेगा इन पॉपकॉर्न्स को। आप लाल मिर्च की मात्रा को अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, जितना तीखा खाना आप पसंद करते हो। साथ में मैंने लिया है भुना जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, पुदीना पाउडर एक छोटा चम्मच। इसके लिए मैंने सूखे हुए पुदीने के पत्तों को हाथों से ही थोड़ा सा क्रश कर लिया था, थोड़ा मसल लिया था। नमक एक चौथाई से आधा छोटा चम्मच या स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, दो छोटे चम्मच मक्खन और आधा कप भुट्टे के दाने या कॉर्न कर्नल्स। अब सबसे पहले हम पॉपकॉर्न को पॉप कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने कुकर में बटर डाल दिया है। ये जब थोड़ा मेल्ट होने लगेगा तब हम इसमें ये भुट्टे के दाने यानी हमारे कॉर्न कर्नल्स डाल देंगे और इन्हें इस बटर में अच्छे से कोट कर देंगे। अब गैस को मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इन्हें तब तक पकाना है जब तक ये पॉप होने ना लग जाएं। कुकर को मैं इस तरह से ढक्कन से ढक रही हूँ जिससे इसमें से भाप तो निकल सके लेकिन पॉपकॉर्न ना निकल सके। तो अब ये पॉप होना या फूटना शुरू हो चुके हैं। जब इनकी पॉपिंग थोड़ी कम होने लगे तब गैस को एकदम लो फ्लेम पर कर देंगे हम। इन्हें पॉप होने में कुल 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, तो आप ध्यान रखें कि ये ज्यादा देर तक गैस पर ना रहे वरना ये जल जाएंगे। अब हमारे पॉपकॉर्न्स रेडी हैं। इन्हें आप एक बर्तन में निकाल कर रख लें। बस ये ध्यान रखें कि ये हल्के गर्म ही रहें जिससे कि इन पर कोटिंग करना आसान रहेगा। इसी कुकर में हम बचा हुआ 1 चम्मच मक्खन डालेंगे। इस कुकर को पॉपकॉर्न खाली करने के बाद एक बार साफ कर लिया था मैंने जिससे इसमें मसाले जले नहीं। इस बटर से कुकर को पूरा कोट कर देना है हमें इस तरह से। अब गैस को एकदम धीमी आंच पर रखकर इसमें ये सारे मसाले एक एक करके हम डालेंगे। तो मैं डाल रही हूँ इसमें ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हमारी शान ये गरम मसाला पाउडर, भुना जीरा पाउडर और ये गया इसमें पुदीना पाउडर। साथ में इसी में मिलाएंगे हम चाट मसाला पाउडर और नमक।
इन्हें अब थोड़ा चला देंगे। हमें इन सभी मसालों को बस हल्का सा पका लेना है, ज्यादा देर इन्हें गैस पर ना रखें, नहीं तो ये जल जाएंगे। थोड़ा पकने से इनका फ्लेवर भी बढ़ता है और इनके कलर्स भी ब्राइट हो जाते हैं। तो लगभग एक दो मिनट पकाते ही इनमें इस तरह से एक उबाल आने लगा है। अब इसमें मिलाने हैं हमें ये पॉपकॉर्न जो हमने अभी अभी बनाए थे। गैस को अब हम बंद कर देंगे। पॉपकॉर्न्स को थोड़ा थोड़ा लेकर मिलाएं, जिससे ये अच्छे से इस मसाले से कोट हो सके। और अब इसी तरह से और पॉपकॉर्न्स इसमें डालकर यही प्रोसेस दोहराना है हमें। अब इस कुकर के ढक्कन को लगाकर इसे अच्छे से शेक कर देंगे हम। अब इसे किसी बड़े बर्तन में खाली करके पुदीने के पत्ते से गार्निश करके सर्व करें। इन्हें बनाकर आप 2-3 हफ्तों तक एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर यूज कर सकते हैं। तो ये पॉपकॉर्न आपको, आपके घर वालों को, मेहमानों को, रिश्तेदारों को, सबको पसंद आए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया वर्ल्ड कप लेकर ही घर आए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। Go Team India! 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 अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ में इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching. Happy living and healthy living.